हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पे। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी 2019 की आपने फॉर्म भरा होगा, तो उस फॉर्म में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए, तो उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में, जिस जो कि आपको डेट एंड शिफ्ट वाइज दोनों देखने को मिल जाएगा, किस डेट का और कौन सा शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स, तो आप एग्जाम से पहले जरूर इस चीज़ को देख लीजिए। फ्रेंड्स, ये थर्ड पार्ट होगा, इससे पहले मैंने दो पार्ट बना रखी, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लीजिए, आपको कुछ क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिल। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को वन बाय वन करके। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 17 तारीख का ये 17 जनवरी 2017 का ये पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि सेंट पीटर्स स्क्वायर कहाँ स्थित है। तो सेंट पीटर्स स्क्वायर जो स्ट्रीट है वो वेटिकन सिटी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः कहाँ किया जाता है। तो जर्मेनियम का जो प्रयोग है, आपको पता होगा कि अर्धचालक में सेमी कंडक्टर के रूप में यूज किया जाता है जर्मेनियम का प्रयोग। ठीक है, लाला लाजपत राय कहाँ के निवासी थे। तो लाला लाजपत राय पंजाब के निवासी थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था। तो भारतीय बोर्ड अधिनियम जो है वो 1905 ईस्वी में पारित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड एप्लीकेशन किसका उदाहरण है। तो एमएस वर्ड एप्लीकेशन जो है एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर डेस्कटॉप सब में यूज करते हैं। तो एमएस वर्ड जो है, एमएस वर्ड एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। ठीक है, आपको वहाँ पे ऑप्शन से हेल्प मिल जाएगा कि उस सॉफ्टवेयर आंसर में टिक लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, नेक्स्ट है कि यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल रानी की वाव कहाँ स्थित है। तो यूनेस्को का जो विश्व विरासत स्थल है रानी की वाव, वो है गुजरात के पाटन में स्थित। ओके, नेक्स्ट है कि वी एल एस आई का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म ऑफ VLSI। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका नाम है VLSI का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथन कैसी लैंग्वेज है। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है। तो समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पार्क से रिलेटेड जो होते हैं क्वेश्चन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इस तरह क्वेश्चन को आप याद करके लेके जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि आरआरबी में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड हो जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो इससे आपको हेल्प भी मिल जाएगा एग्जाम में। बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है एजिट्री आज भी जाए, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको पैटर्न पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस पोर्ट से कितना क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो भारतीय संघ की जो कार्यपालिका होती है उसके संवैधानिक प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। ओके, नेक्स्ट है कि मिशन रफ्तार जो है परियोजना किससे संबंधित है। तो मिशन रफ्तार परियोजना जो है रेल यातायात से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु किस रूप में जानी जाती है। तो आप देख लीजिए कि वायु में जो ध्वनि की गति होती है स्पीड ऑफ साउंड, उसकी तुलना करने के लिए यानी उससे भी अधिक स्पीड से अगर चलती है कोई भी चीज, उसको हम सुपरसोनिक कहते हैं। ठीक है ना, सुपरसोनिक के रूप में उसके हम जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो राज्य पुनर्गठन की जो स्थापना है वो 1953 ईस्वी में की गई थी, 1953 में। ओके, फ्लोरा एंड फूना किससे संबंधित है। तो ये पता है आपको, फ्लोरा एंड फूना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत फेमस क्वेश्चन है कि पौधा और जंतु से स्थित है। बहुत सारे एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन, पौधा और जंतु से ये संबंधित है। ओके, बेन किन्सले किससे संबंधित है। तो बेन किन्सले जो है वो मोशन पिक्चर से संबंधित, जो मोशन पिक्चर होते हैं उससे संबंधित है बेन किन्सले। ओके, बेन किन्सले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो महात्मा गांधी जो 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ओके, नेक्स्ट है सत्यमेव जयते किस में निहित है। तो सत्यमेव जयते जो है वो कौन सा उपनिषद में निहित है। तो मुंडक उपनिषद में निहित है। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये सेकंड शिफ्ट का है, उसी दिन का 17 जनवरी 2017 का ये क्वेश्चन है जो कि सेकंड शिफ्ट का है। फर्स्ट शिफ्ट का होता है और ये सेकंड शिफ्ट का है। इसके अंदर क्वेश्चन ये आए थे कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है किस भाषा में रचा गया था। तो वंदे मातरम जो भारत की राष्ट्रीय गीत है, ओके, ये संस्कृत भाषा में रचा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस किले को अंग्रेज टॉप ऑफ द ईस्ट, ठीक है ना, अंग्रेज टॉप ऑफ द ईस्ट कहते थे, जो अंग्रेज थे वो टॉप ऑफ द ईस्ट कहते थे, कौन से किले को। तो जिंजी के किले को। ओके, जिंजी के किले को इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटिंग के संदर्भ में एप्लेट क्या है। तो कंप्यूटिंग के संबंध में जो एप्लेट है वो एक जावा एप्लीकेशन है। ओके ना, जावा एप्लीकेशन है ये, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की कीबोर्ड में वर्तमान टास्क को रोकने के लिए ESC डैश का प्रयोग किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की कीबोर्ड में वर्तमान टास्क को, जो प्रेजेंट वर्क चल रहा है उसे रोकने के लिए हम ESC जो है किस चीज़ का डैश का प्रयोग करते हैं। तो ESC क्या है, कुंजी है, ठीक है ना, ESC की का प्रयोग करते हैं। ओके, कुंजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मणिकर्णिका स्वतंत्रता सेनानी का किसका मूल नाम है। तो मणिकर्णिका का आपको पता होगा कि मणिकर्णिका किसके नाम किसे जाना जाता था, तो लक्ष्मीबाई को मणिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है ना। एफडीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई का जो फुल फॉर्म है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म क्या है, नीति से मतलब क्या है। तो नीति आयोग में नीति से जो मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ओके ना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। डीएनएस का तात्पर्य क्या है, तो डीएनएस का है डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का जो तात्पर्य है डोमेन नेम सिस्टम, ओके। अकबर का निवास कौन सा स्थान था, तो अकबर का जो निवास है वो आगरा है, आपको पता ही होगा आगरा में अकबर का निवास था। नेक्स्ट है कि तीरंदाजी जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तीरंदाजी भूटान देश का राष्ट्रीय खेल है। जैसे हमारे देश का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी, तो उसी तरह तीरंदाजी जो है भूटान का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेनावृत्ति की आयु कितनी होती है, तो उच्चतम न्यायालय जो हाई कोर्ट होती है उसके जो न्यायाधीश होते हैं उसकी सेवानिवृत्ति जो होती है यानी रिटायरमेंट होती है कितनी आयु में होती है, तो 65 ईयर्स में होती है, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखिएगा कि संविधान के अनुसार जो है हाईकोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो रिटायर की जो डेट होती है वो 65 ईयर्स होते हैं, ओके। जब वो 65 ईयर्स के हो जाएंगे तो वो रिटायर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई के वस्तु की ऊंचाई से अनुपात को क्या कहते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को जो है रैखिक आवर्धन बोलते हैं, रैखिक आवर्धन, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को हम रैखिक आवर्धन बोलते हैं, ओके। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड ये दो शिफ्ट के मैंने क्वेश्चन आपको बताया है। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को इस तरह के वीडियो देखने के लिए, क्योंकि मैं एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ, इसमें आपको 25 से 30 सीरीज लगभग मैं कोशिश करूँगा लाने का, जिसमें कि आपको NTPC के बहुत सारे क्वेश्चन कवर आ जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको होंगे। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं तो वो भी आपको पता चल जाएगा, और दूसरा कि आपको बहुत सारी चीज़ ये पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन किस पैटर्न में आते हैं, किस भाग से कितना सा क्वेश्चन आता है, ओके। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, ओके।